नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। नलकुबर और मणिगिरी, ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले पुत्र थे और दूसरी इनके गिनती भगवान रुद्र के अनुचरों में होती थी। इससे उनका घमंड बढ़ गया था। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उद्यान में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। वे स्त्रियों के साथ उस मंदाकिनी में प्रवेश कर गए और उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उधर से देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, किंतु उन दोनों यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर ऐश्वर्य मत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए उन्हें शाप देते हुए कहा, ये दोनों लंपट यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि ये दोनों नंग धड़ंग है। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर उनके चरणों की कृपा से अपने लोक में चले आएंगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमुनार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उधर की ओर प्रस्थान किया जिधर यमुनार्जुन वृक्ष थे। भगवान कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, किंतु उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया। कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की संपूर्ण जड़ें उखड़ गईं। भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव की स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि देवर्षि नारद ने तुम्हें शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।